सिक्किम में चकबंदी विभाग का बड़ा घोटाला, 7 दिन में 7 करोड़ का घोटाला, चकबंदी अधिकारियों में मचा हड़कंप। उत्तरकाशी में बर्फबारी के दौरान 7 लोगों की मौत की पुष्टि, 5 शवों को लाया गया हर्षिल, हेलीकॉप्टर से लगातार चल रहा है रेस्क्यू अभियान। लालकुआ में दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत, ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। रुड़की में बिजली बनाने वाले प्लांट की तैयारी शुरू, कूड़े से तैयार होगी बिजली, नगर निगम ने जारी किया टेंडर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तराखंड में खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रदेश में बीते दिनों आई भारी बारिश का प्रकोप लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला, जहां बारिश ने कई घरों को बर्बाद कर दिया और दर्जनों किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई। इसी बारिश से उफनाई लालकुआ की गोला नदी के तेज बहाव में आधा दर्जन परिवारों के घर नदी में समा गए, जिनकी मदद को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के पहुंचने का दौर भी लगातार जारी है। इसी के चलते सूबे के कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश आनंद ने लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के बिंदुखत्ता स्थित इंदिरा नगर द्वितीय पहुंचकर आपदा पीड़ितों के परिजनों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। तो आपको बता दें, बीते दिनों भारी तबाही उत्तराखंड में बारिश से मची थी, उसके बाद से लगातार किसानों की मुश्किलें बढ़ गई थी, बारिश से जलमग्न घर हो गए थे, फसलें बर्बाद हो गई थी, जिसके बाद से ही लगातार तमाम पार्टी के नेताओं का वहां पर पहुंचना लालकुआ में जारी है। ऐसे में हर संभव मदद देने का जनता से तमाम नेता नजर आ रहे हैं, कहते हुए कि हर संभव मदद करेंगे, आश्वासन दिया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले जो हमारा ये पानी का जो रुख हुआ गांव की तरफ, इसको डाइवर्जन करने की बात है। इस पानी को विपरीत दिशा में कैसे लेके जाया जा सकता है, उसके लिए हमने आदेश दिए हैं कि इस पानी को डाइवर्जन किया जाए ताकि गांव के लोग सुरक्षित रह सकें। अभी यहाँ के जो हमारे DFO हैं वो हमारे साथ हैं, कल 10 बजे से यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा पोपलैंड के द्वारा, JCP के द्वारा, ताकि पानी का जो बाव गांव की तरह उसको विपरीत दिशा में ले जाया जा सके, जिससे गांव सुरक्षित रह सके। और 3-4 मकान आपदा में समाप्त हो गए हैं बिल्कुल, वो अभी हमारा जो सेंचुरी पेपर मिल है उसके अधिकारियों से मेरी बात हुई है, वो फैब्रिकेट मकान बनाने के लिए तैयार है, राजी हो चुके हैं। एक मकान लगभग 3.5-4 लाख में बनेगा, ज़मीन मिलने के तत्काल बाद हम उस पर काम शुरू कर देंगे। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों का अस्थि कलश हरिद्वार पहुंचा, जहां पर संयुक्त भारतीय किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं और परिष्टों की तरफ से हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में अस्थि विसर्जन किया गया। आपको बता दें कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गाड़ी के नीचे कुचलने से मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद विरोध भी देखा गया इसका। ऐसे में अब आज उन सभी किसानों का अस्थि कलश हरिद्वार पहुंचा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से अस्थि विसर्जन किया जा रहा है। लखीमपुर में जो हमारे शहीद हुए हैं तो उनके फूल हैं, और वहाँ जो उसके मंत्री के बेटे ने जो उन किसानों को जो कुचला था तो उनके फूल हैं। और 23 तारीख रखी थी उत्तराखंड में आपदा आएगी तो एक दूसरा भी होगा, मतलब कार्यक्रम, चूँकि हरिद्वार गई हैं खाली, सब पूरे उत्तराखंड में गई, सारे प्रदेश में, देश में गई, तो वो दोबारा होगा। और ये बहुत दर्दनाक घटना, तो उनके फूलों और सरकार ने जो ये पूरा जो किसानों को, हाँ नहीं, घटना क्या, सरकार का तो माना गुंडागर्दी, सरकार का क्या, सरकार का तो ये कि 4 उद्योगपति बनाने, बाकी सारा देश बेचना, या ना किसी हिंदू की ना किसी मुसलमान की, तो माफिया होगी सरकार। ये तो मोदी मोदी है, सिकंदरों की सरकार है, तो बताओ सारा देश बेच दिया, सारे धन प्रतिष्ठान बचा गया देश के अंदर, सारा युवा भेज और जा रहा, युवा सारा नशे में लग जाएगा, इस तरह जो पढ़ लिख कर बावड़े हैं क्या करेंगे, फिर नशा ही तो करेंगे फिर, तो बहुत ऐसी सरकार तो देखी नहीं आज तक सरकार के बारे में तो मामला। और किसानों की जमीन भी सारी, सब उद्योग को 4 उद्योगपति बनाने, वहाँ 5 कोई ये लोकल के दुकानदार, ये छोटे मोटे कुछ नहीं, किसान मजदूर ये सब खत्म,
ये आप देख लो इनके क्या रिजल्ट होंगे। ये जो हमारे लखीमपुर खीरी में जो हमारे चार किसान और एक पत्रकार बंधु शहीद हुए थे, जो मंत्री के बेटे ने और मंत्री ने साजिश के तहत शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी थी, उसमें चार किसान और एक पत्रकार भाई हमारे शहीद हुए थे। उनकी अस्थियां पूरे देश में हर प्रदेश के हर जिले में गई, तो ये हमारा भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन शहीदों की अस्थियां हरिद्वार जिले में भी आई। हमने दो दिन तक पूरी कलश यात्रा पूरे जनपद में उनकी घुमाई अस्थि कलश यात्रा, और आज पूरी अरदास करी गई, पूजा पाठ करे गए, पूरे विधि विधान के साथ उनकी अस्थियों को यहाँ विसर्जित कर दिया गया। उद्धम सिंह नगर के नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से भारत में लगभग एक साल से चल रहे तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में शहीद हुए उन किसानों के लिए नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से आत्म शांति के लिए अंतिम अरदास रखी गई, जिस पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सेवा सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नानकमत्ता गुरुद्वारे में अखंड पाठ साहिब 21 अक्टूबर को शुरू हुआ और आज श्री अखंड पाठ साहिब की समाप्ति होगी। आपको बता दें नानकमत्ता गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी ने गुरु की संगत से अपील की है कि बढ़ चढ़कर गुरुद्वारे में पहुंचे किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए रखी गई इस अरदास में लोगों से शामिल होने की अपील भी की गई है। तो आपको बता दें उद्धम सिंह नगर में किसान आंदोलन के दौरान जितने भी किसानों की जान गई है उनके लिए ये शहीद किसान की अंतिम अरदास रखी गई है, जहां पर बढ़ चढ़कर लोगों से हिस्सा लेने की अपील भी की गई और कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा इन किसानों के लिए रखी गई अंतिम अरदास में लोग वहां पर पहुंचे। सेवा सिंह मुख्य सेवादार से नानकमत्ता शहर 21 तारीख को नानकमत्ता शहर में जितने भी हमारे किसान शहीद हुए हैं इस मोर्चे में और अच्छे तौर पे जो अभी तिकोनिया में हमारे 55 किसान अपनी मांगों के लिए जूझते हुए शहीद हुए हैं उनकी याद में 21 तारीख को गुरु नानक खंड पाठ साहिब किया गया है, जिसका भोग 23 तारीख को पड़ेगा, कल पड़ेगा। और समूह संतों से निवेदन है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में आएँ और उन किसानों को हम श्रद्धांजलि दे सकें। मैं सभी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, आप सभी जाएँ, अभी आएँ। रुड़की के रहमतपुर गांव में चकबंदी विभाग का एक और बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें चकबंदी अधिकारियों ने भू माफियाओं के साथ मिलकर पूरे 7 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, वो भी सिर्फ 7 दिनों में। वहीं एक समाजसेवी की तरफ से मामला उजागर करने के बाद अब भू माफियाओं सहित चकबंदी अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो रुड़की का ये पूरा मामला है जहाँ पर चकबंदी विभाग में एक बार फिर से बड़ा घोटाला हुआ है, और हैरान करने वाली बात यह है कि 7 दिन के अंदर 7 करोड़ रुपए का ये बड़ा घोटाला किया गया है, जिसके बाद से एक समाज सेवी की तरफ से जब इस मामले को उजागर किया गया तो उसके बाद से ही भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जो उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर धामी जी, उन्होंने पूरे उत्तराखंड जिले के जितने भी कर्मचारी अधिकारी गण हैं उनको सख्त आदेश ये निर्देशित किए हुए हैं कि समस्या जनता की समस्या को सुनने के लिए 10 से 12 बजे तक प्रत्येक अधिकारी अपने कार्यालय में उपस्थित होगा, जिसको लेकर हमने कल यहाँ सांकेतिक धरना दिया था और आज हमें वार्ता के लिए उन्होंने SDM साहब ने वार्ता के लिए आश्वासन दिया था कि वार्ता कराकर एसओसी से और यहाँ 10 से 12 तक ये अपने कार्यालय में जनता की समस्या सुनने के लिए बैठेंगे। दूसरा मामला मैं आपके संज्ञान में एक और डालना चाहता हूं कि जो अभी रहमतपुर में एक अपील संख्या 275 माननीय एसओसी साहब दीवान सिंह नेजी के द्वारा आदेश पारित किया गया है 16/4/2021 में, जो लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी है उसमें, और उसमें इनके जो कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी गण हैं वो भी सब इन्वॉल्व हैं। उन्होंने सचिन जो उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर धामी जी, उन्होंने पूरे उत्तराखंड जिले के जितने भी कर्मचारी अधिकारी गण हैं उनको सख्त आदेश ये निर्देशित किए हुए हैं कि समस्या जनता की समस्या को सुनने के लिए 10 से 12 बजे तक प्रत्येक अधिकारी अपने कार्यालय में उपस्थित होगा, जिसको लेकर हमने कल यहाँ सांकेतिक धरना दिया था और
आज हमें वार्ता के लिए उन्होंने एसडीएम साहब ने वार्ता के लिए आश्वासन दिया था कि वार्ता कराकर एसओसी से और यहाँ 10 से 12 तक ये अपने कार्यालय में जनता की समस्या सुनने के लिए बैठेंगे। दूसरा मामला मैं आपके संज्ञान में एक और डालना चाहता हूँ कि जो अभी रहमतपुर में एक अपील संख्या 275 माननीय एसओसी साहब दीवान सिंह नेजी के द्वारा आदेश पारित किया गया है 16/4/2021 में, जो लगभग 6 से 7 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी है उसमें, और उसमें इनके जो कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी गण हैं वो भी सब इन्वॉल्व हैं। उन्होंने सचिन भूमापिया के साथ मिलकर मोटे पैसे लेकर साठ गांठ कर 7 करोड़ रुपए की जमीन में फर्जीवाड़ा किया है एक महीने के अंदर अंदर। उत्तरकाशी में मातेश्वरी अन्य क्षेत्र गंगोत्री के आह्वान पर सेवा टीडीसी के सहयोग से नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन सीमा डेंटल कॉलेज ऋषिकेश की तरफ से आयोजित 2 दिवसीय दंत चिकित्सा शिविर और कृत्रिम दंत शिविर का शुभारंभ किया गया। ये शुभारंभ रमेश आनंद जी महाराज, स्वामी धर्मिष्ठा गिरी जी और सीमा डेंटल कॉलेज ऋषिकेश के निदेशक प्रधानाचार्य डॉक्टर हिमांशु एरन की तरफ से दीप प्रज्वलित कर किया गया। स्वामी धर्मिष्ठा जी का ने कहा कि डॉक्टर हिमांशु और सीमा डेंटल के चिकित्सकों का ये प्रयास बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय है, जो कि उन्हें जीवन भर याद रहेगा। उत्तरकाशी में हर्षिल और छितकुल के लखमा पास पर बर्फबारी के दौरान लापता 11 ट्रैकर्स में से 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आज 5 शवों को हर्षिल लाया गया। हर्षिल की बिहार रेजिमेंट सेना सहित एसडीआरएफ लगातार वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू अभियान चला रही है। 5 लोगों की पहचान हो चुकी है। ऐसे में पुलिस ने 5 शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है, साथ ही परिवार को भी सूचित कर दिया गया है। लक्सर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने खानपुर पहुंचकर खानपुर विकास खंड कार्यालय में खंड विकास अधिकारी सहित सभी ग्राम विकास और ग्राम पंचायत अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक की, जिसमें उनकी तरफ से विकास खंड में चल रहे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की गई और सभी से जानकारी ली गई कि कहां किस ग्राम पंचायत में किस स्तर पर और किस तरह के विकास काम किए जा रहे हैं। तो लक्सर में ये बैठक हुई है, पंचायत अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई, विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की गई, कहां पर किस तरह से और किस स्तर के तक ये विकास कार्य किए जा रहे हैं इस पर पूरी तरह से चर्चा की गई है। तो आपको बता दें लक्सर में पंचायत अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई है, बैठक में कई अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। ऐसे में विकास कार्यों को लेकर ये बैठक की गई थी, कहां पर किस तरह से किस स्तर पर विकास कार्य हुए हैं और कितना विकास हुआ है, कितना विकास होना बाकी है, इन सब चीज़ों को लेकर ये बैठक की गई थी, जिसमें काफ़ी चर्चा हुई और जहां पर अभी भी विकास नहीं हुआ है वहां विकास करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। आज ब्लॉक ऑफिस खानपुर में बीडीओ खानपुर और जो हमारे समस्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी, उनके साथ आज बैठक हुई। इसमें सभी जो ग्राम पंचायत हैं उनमें क्या क्या कार्य चल रहे हैं मनरेगा के तहत या जो ग्राम पंचायत की योजना के तहत जो भी कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा की गई। और इसमें कई जगह पर इस तरह की शिकायतें आई हैं कि कई जगह पर जल भराव की समस्या है, कहीं पर सफाई की समस्या है, तो इन सब समस्याओं के लिए उनको जो भी संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ पर भी किसी प्रकार का निर्माण कार्य होना है, जो नाली निर्माण इत्यादि का कार्य होना है, तो उसके लिए प्रस्ताव बनाकर शीघ्र से शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें और सफाई पर को अपनी प्राथमिकता में रखें। कई जगह पर इस तरह की समस्या भी आ रही है कि वर्तमान में डेंगू इत्यादि की बीमारी फैल रही है, तो इसमें इनको प्रायोरिटी पर लिया जाए। इसके अलावा जो हमारे आजीविका से संबंधित जो हमारे समूह हैं उनके लिए भी प्रशिक्षण, विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण इत्यादि का की पर्याप्त व्यवस्थाएँ करें। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में वीआईपी गेट के पास तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रक को अपने कब्जे में लेकर ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है, पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो लालकुआ का ये पूरा मामला है जहाँ पर तेज
तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने के लिए मिला। ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि अभी तक युवक कौन था, कहां का रहने वाला है, उसकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन अभी पुलिस ने इस पूरे मामले में ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मौके से ट्रक ड्राइवर फरार हो गया था, जिसकी तलाश अब पुलिस कर रही है। चमोली में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल और दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब में बीते दिनों हुई बारिश के बाद जबरदस्त बर्फबारी की पहली तस्वीर सामने आ गई है। यहां 2 से 6 इंच तक की बर्फबारी हो गई है, जिसके बाद हेमकुंड साहिब पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढका हुआ है। हेमकुंड साहिब में हर तरफ से बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ऐसे में हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद हर तरफ सिर्फ बर्फ की सफेद चादर ही दिखाई दे रही है। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप चमोली की, जहां पर हेमकुंड साहिब में ये बर्फ की चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, नज़ारा बेहद ही खूबसूरत देखने में लग रहा है। और ऐसे में पहली बर्फबारी होने के बाद आसपास के लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं। चमोली के जोशीमठ विकास खंड के लंगसी टपोन गांव में गर्भवती महिला की अचानक तबीयत खराब हो जाने पर परिवार के सदस्यों ने उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन गांव को जोड़ने वाली सड़क बंद होने की वजह से महिला को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। ऐसे में परिवार के सदस्यों ने 108 को फोन किया, लेकिन 108 सेवा गाँव के पास नहीं पहुँच सकी। महिला की हालत इतनी खराब थी कि महिला ने बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुलाब कोठी के पास ही अपने बच्चे को जन्म दे दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की टीम की तरफ से महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ पहुंचाया गया, जहां दोनों लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो चमोली का ये पूरा मामला है, जहां पर एक गर्भवती महिला की हालत बिगड़ गई, लेकिन जब एम्बुलेंस को फोन किया गया तो समय से एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसकी वजह से महिला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस पहुंच गई थी, जिसकी मदद से महिला को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहाँ पर बच्चा और जच्चा दोनों की ही हालत अच्छी और सुरक्षित बताई जा रही है। रुड़की में अब कूड़े से जल्द ही बिजली बनाने वाले प्लांट की तैयारी शुरू होने वाली है। ये प्लांट शहर और आसपास के गांव देहात से इकट्ठा किए गए कूड़े से बिजली तैयार करेगा, जिससे सरकार को 2 गुना लाभ भी मिलेगा। जानकारी के मुताबिक रुड़की के सालियर में जल्द ही 2 मेगावाट का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगने जा रहा है, जिसको लेकर नगर निगम ने टेंडर भी जारी कर दिया है। तो रुड़की में अब नगर निगम ने ये टेंडर जारी किया गया है, जहाँ पर ये वेस्ट कूड़े से अब बिजली बनाई जाएगी और जल्द ये कूड़ा से बिजली बनाने का प्लांट भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में अब जो कूड़े की समस्या थी वो भी जल्द ही खत्म हो सकेगी। वेस्ट एनर्जी प्लांट का एक टेंडर हमने पिछले साल निकाला था, उसमें रुड़की सहित 16 निकाय थे। तो ये मान लीजिए कोटद्वार तक का कूड़ा भी उसमें आना था, तो बहुत सारे जो बिडर्स आए थे उनके द्वारा इसमें रखा गया कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इस कारण से उनको उसमें वायबिलिटी नहीं आ रही। ये जो वेस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट लगना है, ये पूरी तरह पीपीपी पे लगना है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट ने कोई फंड नहीं देना है, ना हमने कोई फंड देना है। जो भी बिडर्स आएंगे उन्होंने अपना पैसा लगाना है इस पर, तो उनको उसकी वायबिलिटी आनी चाहिए। इसके लिए फिर ये रखा गया कि अब हमने जो नया टेंडर निकाला है, हाल ही में निकाला है, पिछले हफ्ते ही लगभग, अभी 28 तारीख को प्रीबिड मीटिंग है और 12 नवंबर को उसका टेंडर लास्ट डेट है पढ़ने की। तो अब हमने 200 मीट्रिक टन कूड़े पे निकाला है, जिसमें रुड़की और रुड़की सहित जो आसपास के केवल 6 निकाय हैं, जिसमें लंढौरा, मंगलौर, झबरेड़ा, अलक्सर, भगवानपुर, कलियर, ये 6 निकाय हैं। तो ये अपना कूड़ा वहीं सालियर प्लांट पे ला के देंगे, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 हो जाएगी। चमोली में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से हेलंग उर्गम घाटी मोटर मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है।
पंचम दरी चंक केदार ध्यान बद्री कल्पेश्वर महादेव को जोड़ने वाला मार्ग 5 जगह पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, जिसमें लोगों को भारी परेशानी भी हो रही है। ऐसे में दैनिक जरूरतों के सामने की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। मोटर मार्ग जगह जगह से धस चुका है, जहां बड़े बड़े बोल्डर अटके हैं। जल्द ही मार्ग न खुल गया तो घाटी में गैस की आपूर्ति समेत खाद्यान्न संकट गहरा सकता है। तो ये चमोली की तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर मोटर मार्ग पूरी तरह से बाधित है और ऐसे में जल्द ही मार्ग खोलने की के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में वहां के लोगों को तमाम दिक्कतें हो रही हैं, तमाम परेशानी हो रही हैं और जल्द ही अगर मार्ग नहीं खोला गया तो वहां पर रहने वाले लोगों के लिए गैस की आपूर्ति समेत खाद्यान्न का संकट पैदा हो सकता है। अक्टूबर को आई आपदा ने उत्तराखंड में भारी तबाही मचाई है। इसमें जान माल की भारी हानि हुई है। उधम सिंह नगर के सितारगंज ब्लॉक में कैलाश बेगुल नदी में आई बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। इस संबंध में पूर्व विधायक नारायण पॉल, ब्लॉक अध्यक्ष करण जंग और नगर अध्यक्ष हरपाल सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। ऐसे में पूर्व विधायक नारायण पाल, ब्लॉक अध्यक्ष करण जंग, नगर अध्यक्ष हरपाल सिंह ने कहा कि सितारगंज शक्ति फार्म नानकमत्ता क्षेत्र में हजारों एकड़ कृषि भूमि में तैयार धान की फसल खराब हो चुकी है। ऐसे में सब्जी उत्पादकों की सब्जियां खराब हो चुकी हैं। निवेदन किया गया है कि उप जिलाधिकारी से क्षेत्र में बाढ़ के हालात को देखते हुए किसानों को 70% एकड़ के अनुसार मुआवजा दिया जाए। जो 18 और 19 तारीख को मूसलाधार बारिश हमारे क्षेत्र में हुई है और जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो धान फसल और घरों का नुकसान हुआ है, उसी के प्रति उचित मुआवजा देने की हम मांग कर रहे हैं शासन से कि जो प्रभावित लोग हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए। इसी प्रति हमारे आज कांग्रेस कार्यकर्ता सब इकट्ठे हुए और महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने एसडीएम महोदय द्वारा एक ज्ञापन दिया। चमोली जोशीमठ के बाजारों में आज रौनक देखने के लिए मिल रही है। दरअसल कल मनाए जाने वाले करवा चौथ व्रत से एक दिन पहले पूजा अर्चना और श्रृंगार का सामान खरीदने के लिए बाजार में महिलाओं की भीड़ नजर आ रही है, जिससे बाजारों में रौनक भी दिख रही है। तो ऐसे में कल पूरे देश भर में करवा चौथ का मनाई जाएगी। महिलाएं व्रत रखेंगी अपने पति की लंबी उम्र के लिए और आज बाजारों में काफ़ी रौनक देखने के लिए मिल रही है। ये चमोली की तस्वीरें देख सकते हैं, कल के व्रत के लिए किस तरह से महिलाएं खरीदारी करने के लिए बाजारों में हैं और ऐसे में बाजारों की रौनक और ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपको बता दें बाजारों में आज काफी रौनक देखने के लिए मिल रही है। करवा चौथ के व्रत से पहले ये बाजारों में रौनक दिख रही है। महिलाएं किस तरह से सामान खरीदती हुई बाजारों में नजर आ रही हैं, तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि कल पूरे देश भर में करवा चौथ मनाया जाएगा। ऐसे में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं तो अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कहीं पर महिलाएं मेहंदी लगवाती हुई नजर आ रही हैं तो कहीं पर इस तरह मार्केटों में खरीदारी कर रही हैं, सामान खरीद रही हैं और ऐसे में बाजारों का जो हाल है वो दिख रहा है और रौनक भी बाजारों में खूब नजर आ रही है। कुमाऊं मंडल में आई भयावह आपदा का कारण वैज्ञानिक इस क्षेत्र के नज़दीक चीन और तिब्बत के पठारों को बता रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो कुमाऊं रीजन में चीन सीमा और तिब्बत के पठार में हॉट और कोल्ड वेव का वेव फ्रंट हमेशा बनता है। इस समय सीजन में इसके साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कम वायु का दबाव बनना इस आपदा का मुख्य कारण रहा। वैज्ञानिकों ने इसके अलावा ये भी माना कि सरकार ने कुमाऊं रीजन में अलर्ट को देरी से सर्कुलेट किया, जिसकी वजह से क्षेत्र में नुकसान ज्यादा हुआ है। साथ ही वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि अब प्रदेश में 14 जिलों में छोटे मौसम केंद्रों की स्थापना करके ऐसी भयावह दुर्घटना से बचा जा सकता है। तो आपको बता दें, ये कहा जा रहा है कि देरी से सर्कुलेट किया गया था अलर्ट और कहा देरी से गया था, हालांकि अनुमान पहले से ही जताया जा चुका था। आपदा का कारण चीन और तिब्बत के पठार को बताया जा रहा है। बीते दिनों 18 और 19 अक्टूबर को जिस तरह से पूरे उत्तराखंड में बारिश ने तबाही मचाई थी, उसको लेकर ये अनुमान जताया जा रहा है। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार
जब भी हम बात करते हैं शोध की कि ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, तो जो भी सैटेलाइट्स हैं, जो इमेजेस हैं, उनकी इमेजेस के आधार पर हम जो है अपनी जो भी शोध है उसको हम रखते हैं, उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। इसके दो तीन फैक्टर्स हैं इसमें। अगर हम देखें कि हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है, उसके हिसाब से जो मानसून जो रहता है भारत में, वो जनरली 14-15 सितंबर तक रहता है और उसके बाद जो है वो विड्रॉल हो जाता है। जैसे ही वो विड्रॉल होता है, वैसे ही एक जो मानसून जो होता है, जो जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं, जितने भी उत्तर भारत के जो भी स्टेट्स हैं, उनमें स्नोफॉल और बारिश के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उसे कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, या इसे कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।